ये टेक्टिक्स आप क्या कहेंगे इस हवाले से? साइफर का जी, देखिए मेरी बात मैम, जरा रूम दे दें। साइफर का मैं ये कहूंगी कि 2 मिनट का रास्ता है फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। आज का जो केस था वो साइफर को 1 घंटा लगा है प्रोसिक्यूशन के लॉयर ने, 1 घंटा फॉरेन ऑफिस से उस साइफर को प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचाने में। अब ये सोच लो, इन्होंने अगर ये सोचा हुआ, अब ये सोचेंगे अगले 6 तारीखें तो ये इस पे लगा देंगे कि साइफर का कागज वहां से चल के फिर किधर गया। देखिए आज ये साइफर का, मैं फिर से कहूंगी कि जो हमारे ये जो इमरान खान और शाह महमूद पे केस किया था राणा सनाउल्ला ने, ये अल्लाह ताला अपना प्लान बनाता है ना, उन्होंने क्या सोच के किया था, असल में प्लान क्या निकला है कि राणा सनाउल्ला की वजह से ये केस कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में चला गया, ये कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स में अब चला गया। ये सारों के लिए ये केस स्टडी होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाला है। लेकिन आज तो जो जस्टिस मियां गुल हसन थे, उन्होंने तक एक बहुत जरूरी बात की, क्योंकि जो सबको, हमें तो समझ आ रही थी, आज जज ने भी को भी कहना पड़ा कि ये प्राइम मिनिस्टर जवाब दे है अपने लोगों के जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है। अगर वो ही नहीं उनको बताएगा कि तुम्हारे वोट के खिलाफ साजिश हो रही है तो किससे बताना था लोगों को? उन्होंने तो ये अपना जुर्म वो बना दिया है, जिस ये जो केस ने आपने उस चीज को जुर्म बना दिया जिसके एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की, क्योंकि हुक्मरान इस मुल्क की अवाम है। अब अवाम को अगर प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि ये आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये किसके कौन है ये लोग जो समझते हैं कि उनका कब्जा ज्यादा मजबूत है और जो अवाम है वो उनका हक नहीं बनता? ये तो अवाम के खिलाफ साजिश है जब आपने प्राइम मिनिस्टर को डाला जेल के अंदर, ये अवाम के खिलाफ साजिश है कि उनके नुमाइंदे को आज जेल में बैठाया हुआ है। और ये सारों के लिए केस स्टडी होना चाहिए, अवाम को भी अलर्ट होना चाहिए कि ये लोग, एक फॉरेन ऑफिस का छोटा सा कागज जिसपे लिखा हुआ है आपका साइफर ना गुम जाए, एक कागज ना गुम जाए। आप सोचिए फॉरेन ऑफिस के मातहत तो आवाम नहीं है ना, फॉरेन ऑफिस अवाम के मातहत है। और जो किसका मातहत है, क्योंकि आप अपने लोगों को इलेक्ट करके अवाम भेजती है अपने नुमाइंदों को कि आप हमारे मुल्क के फैसले करो। आज नजर आ रहा है कि उसी प्राइम मिनिस्टर को आपने जेल में डाल दिया क्योंकि उसने अपने अवाम की नुमाइंदगी की। आज प्राइम मिनिस्टर इसलिए जेल में बैठा है क्योंकि उसने अपने लोगों की नुमाइंदगी की। हर मुल्क की सियासत में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जरूर होता है। अमेरिका सुपर पावर है, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अशरफ अफजल गुरु साहब भी कल कह रहे थे कि खान साहब ने जरा टच किया ट्रंप के हवाले से, तो अगर नवंबर में ट्रंप साहब दोबारा इक्तदार में आते हैं तो पाकिस्तान में हालात आपको मेरी बात सुने। आप देखें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपने ये सवाल किया है। आप देखें 24 करोड़ लोगों का गैरतमंद मुल्क होना चाहिए जो अपने फैसले खुद कर सके, और ये क्यों हमें जरूरत है किसी के ने आपके आके फैसले करने? जिस दिन आप अपने लिए खड़े हो जाएंगे दुनिया आपकी इज्जत करेगी। कोई दुनिया की सुपर पावर ये नहीं करना चाहती, उन्होंने साजिश आपके मुल्क के साथ नहीं की, साजिश हमारे अपने लोग करते हैं, वो तो अपने मुल्क के मफाद में काम करेंगे, उनके नुमाइंदे आप, हम खुद अपने मुल्क में साजिश करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान खुद पहुंचाते हैं। ट्रंप के आने और जाने से हमारा क्या ताल्लुक है? वो तो अमेरिका का प्राइम प्रेसिडेंट है, और मुझे नहीं पता मरमत ने क्या कहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इमरान खान अपने मुल्क की फिक्र कर रहे हैं और वो ये नहीं देख रहा कि बाहर कौन आता है और कौन जाता है। खान अगर मरमत ने बात की है तो ये साहब ने ये कहा था कि अभी क्योंकि ट्रंप सदर जो अगर बनेंगे तो बीच में जो ये जो 2 से 3 मंथ होते हैं तो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आजाद हो जाती है, तो उस दौरान पाकिस्तान में कुछ चेंजेस जो है वो मुमकिन हो सके। देखिए मुझे, मेरे ख्याल में फिर जो शेर अफजल मरकत है, मेरे ख्याल में फॉरेन रिलेशन पीटीआई की कमेटी का हेड होगा चाहे था, हमें भी समझ नहीं आ रही क्या काम बनता है। मैं तो उनका काम ही नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पहुंच जाए। आप अपने मुल्क की फिक्र करें,
आप शहर अफजल नौबत को फिक्र करनी चाहिए कि जाकर लोगों के रैलीज को कंडक्ट करें जो उनका स्किल सेट है। इमरान खान ये बात नहीं करेंगे, इमरान खान ये बात कभी भी नहीं करेंगे। आपने कभी सुना इमरान खान के मुंह से वो कहते हुए कि अमरीका की फॉरेन पॉलिसी से हमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई सॉफ्ट कॉलर नहीं होता, उनके अपने मुल्क की पॉलिसीज है, हमें अपने मुल्क की पॉलिसीज की फिक्र करनी चाहिए। मैम रोज आप लोगों का धरना स्टार्ट हुआ है जो स्वामी ब्रजेश के पास है, आप भी उसको विजिट कर चुकी हैं, क्या आपको लगता है पीडीएफ की क्यादत को आप अमली तौर पे जांच की शिकार इख्तियार कर लेनी चाहिए? देखिए हमारे इमरान के साथ सिक्योरिटी, इमरान खान के साथ सिक्योरिटी में भी थे, और उन बच्चों ने अगर बैठने का फैसला किया तो हम उनका दिल है इमरान खान के साथ और वो तकलीफ में है और वो करना चाह रहे हैं और हम उसके साथ, हमने कहा अगर आप बैठे हो, उन्होंने हमें भी बुलाया कि आप आएं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम भी जाके एक दिन बैठ जाएंगे बाहर अगर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आज तो हम कोर्ट पे उम्मीद रख रहे हैं अदालतों पे कि इंसाफ देंगे, हम चुप करके आते हैं सारा दिन अदालतों में बैठते हैं कि इंसाफ देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम भी जाएंगे सड़कों के ऊपर। हामिद रजा के बयान के हवाले से क्या कहेंगे, जो वो कह रहे कि पीटीआई को चाहिए कि सारे मुस्ताफी हो जाए और सड़कों के ऊपर आ जाए अगर खान साहब को इंसाफ नहीं मिलता? ये तो पॉलिटिकल बात है ना, आप हमारे से बात करें, हमारे भाई की बात करें। मैडम क्या इमरान खान या पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ मिल बैठकर पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं? खत्म हो गया है क्या? पीटीआई भूल गया है?